हेलो माय डियर फ्रेंड, माय सेल्फ उमेश यादव, वेलकम टू बैंकिंग करियर। बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड, 2019 का जो वैकेंसी आने वाला है, बैंक में जो वैकेंसी आने वाला है, उसके बारे में आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में बहुत सारे डिटेल आए थे। फ्रेंड, उसके बारे में मैं आपको एक 2019 के शुरू में ही एक मैं एक आपको बहुत प्यारा सा आपको एक संदेश देने वाला हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से, कि आप बैंक के स्टूडेंट हैं, आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो आपको इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा। एक ऐसे इंसान का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जो आपने आपने उनका नाम सुना भी होगा, और आपको इससे काफ़ी मोटिवेट मिलेगी, और आपको जो बैंकिंग के रिलेटेड जो वैकेंसी है, जो आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में भी आपको एक पिक्चर क्लियरिटी होगी। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक शॉर्ट में वीडियो मैं 2 से 3 मिनट में वीडियो बनाना चाहता हूँ। मेरा कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं आ पाया फ्रेंड, अगर आ गया तो मैं इसको कम्युनिटी गाइडलाइन में ही आपको ये मैसेज देता, पर ये वीडियो बना के देना पड़ रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि मुझे जल्दी से कम्युनिटी गाइडलाइन मिल जाए, तो वहाँ पर आपको मैं ऐसा कुछ इंस्पिरेशन मैसेज हो तो मैं आपको देते रहूँ। ओके फ्रेंड, हम बात करते हैं फ्रेंड, सबसे एक शॉर्ट में आपको बात कर लेते हैं कि बहुत सारे आपने न्यूज़ सुना होगा कि बैंक की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो फ्रेंड, बैंक की वैकेंसी एवरी ईयर आती है और इस बार भी आएगी। इस बार बाकी के साल जो पिछले 2-3 सालों में आई है उससे ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर, आपको मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या बहुत सारे फैक्टर आपको भी पता है। गवर्नमेंट अभी इलेक्शन होने वाली है, तो इस बार गवर्नमेंट को भी वैकेंसी ज़्यादा निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनको वोट भी चाहिए। तो और भी बहुत सारे फैक्टर है, बैंक का वर्कफोर्स बढ़ रहा है इत्यादि वगैरह, जो RBI भी बहुत सारे बैंकों को मतलब ये बना रही है, PCSE भी हटा रही है, तो बहुत सारे फैक्टर है जो बैंक की वैकेंसी इंक्रीज करेगी। आपने द इकोनॉमिक्स पेपर में भी पढ़ा होगा, उसमें भी आया था कि 1 लाख रिक्रूटमेंट करने हैं। तो SBI PO, SBI क्लर्क, उसके बाद IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, ऑफिस असिस्टेंट, RBI Grade B, असिस्टेंट B, LIC AO, NABARD, इंश्योरेंस एग्जाम, ये सभी की वैकेंसी आएगी, और अच्छा खासा वैकेंसी आएगी 2019 में। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस फ्रेंड, आपको क्या करना है 2019 के शुरू में ही क्या करना है, आप देखिए फ्रेंड, ये वीडियो आप देख रहे होंगे, उसी समय आपको ये प्रॉमिस करना है, उसी समय आपको ये वचन लेना है, आपको अपने दिल पर हाथ रख के बोलना है कि 2019 के बारे में बोलना है, दिस इज अ माई ईयर। फ्रेंड, आपको इससे काफी काफी मोटिवेशन मिलेगा। आपने जिस दिन सोच लिया कि मुझे 2019 में आपको नौकरी लेनी है, तो आपको 100% लेनी है, और आपको एक ही बात बोलना है दिल पर हाथ रख के कि दिस इज अ माई ईयर। मैं एक ऐसे पर्सन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो 2018 में उन्होंने बहुत सारे मतलब शुरू में ही इन्होंने बात बोला था, और उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया, जो उन्होंने जो बोला था उन्होंने अचीव किया। तो बस आपको ही वो प्रॉमिस करना है कि 2019 आ रहा है वो मेरा ईयर है। मैं एक पर्सन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप भी फ़ैन होंगे, इनका नाम आपने सुना ही होगा, इनका फ़ोटो भी लिया हूँ, यहाँ पर 2 फोटो दिया हूँ। इनका नाम रोमे रेन है, आपको पता होगा, WWE यूनिवर्सल चैम्पियन, आप सबको पता होगा, अगर आपने WWE आप देखते होंगे तो आपको पता होगा इनका नाम रोमन रेन का। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनके फ़ैन होंगे। फ्रेंड, इन्होंने 2018 के शुरू में ही बोला था दिस इज अ माई ईयर। उन्होंने फ्रेंड 2018 में उन्होंने बहुत बार, उनको यूनिवर्सल चैम्पियन के लिए मौका मिला, 4-5 बार उन्होंने डिफीट हो गए बहुत सारे कारणों से, ब्लॉक रेसन आपको पता होगा। लास्ट में उनको फ्रेंड उनको यूनिवर्सल चैम्पियन उन्होंने जीता अभी, और बीच में उन्होंने अभी एक दो महीने पहले उन्होंने जो यूनिवर्सल चैंपियन है उसको रिलिंक्विश भी कर दिया। वो क्यों किया फ्रेंड, अगर आप रोमन रेन के फैन हैं तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि रोमन रेन ने क्यों अपना जो यूनिवर्सल चैंपियन था WWE का, उन्होंने आपने रिलिंक्विश कर दिया और वो कुछ दिन के लिए वो रिंग में नहीं है। तो फ्रेंड, आपको एक ऐसा इनको एक ले लेना है एग्जाम्पल के तौर पर, आपको बोलना है कि 2019 दिस इज अ माई ईयर, तो आप कोई भी एग्जाम फ्रेंड आप सक्सेस हो पाओगे, आपको कोई भी आपकी सफलता आपको पाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड, आई होप इससे आपको मोटिवेशन मिला होगा, प्रेरणा मिला होगा। अगर आप रोमन रेन के फैन हैं या बैंकिंग, SSC, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।